अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। यस मैम, आवाज आ रही है। ठीक है, थोड़ी देर में शुरू करते हैं। ठीक
जी बेटा, आपने ग्रुप में मैसेज किया है कि क्लास के लिए आ गए? यस मैम। 5 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, वैसे वेट करना नहीं चाहिए, ऑफ हो गए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी टाइम पे आए हैं, आपका हर्ज नहीं होना चाहिए। ओके, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी 2, कोर्स कोड 313। इसमें हम तकरीबन 4 से 5 सिस्टम्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जो कि स्किन, हेयर एंड नेल। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या क्या आता है? स्किन, हेयर एंड नेल, ये मिल के बनाते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हमारी स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, सबसे
बड़ा जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है वो क्या है, स्किन, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इन्फेक्शन से, इंजरीज से, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है हर तरह के टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर रेगुलेट करती है, और एक फर्स्ट लाइन डिफेंस है अगेंस्ट ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन द ह्यूमन बॉडी, स्किन। तो हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्किन लेयर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम आपका जो टोटल उसके 5 लेक्चर्स हैं, जिसमें कि हम स्किन के इन्फेक्शंस कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, फंगस, ये चारों ऑर्गेनिज्म जो स्किन के इन्फेक्शन करते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम स्किन कार्सिनोमास पढ़ेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा बर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इन द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वो इस पे मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी स्किन पे देखने में हमें जो एबनॉर्मल चेंज या डैमेज नजर आता है उसको हम लीजन कहते हैं। उसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? लीजन। तो लीजन क्या है? एबनॉर्मल डैमेज या एबनॉर्मल चेंज इन द टिश्यू, इन दिस केस इन द स्किन, जिसकी कॉज क्या हो सकती है, या तो वो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या फिर किसी डिजीज की वजह से। तो स्किन लीजन को देख के हम पहचान सकते हैं कि कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से ये स्किन लीजन बना हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो लीजन क्या है? एबनॉर्मल डैमेज और अ चेंज इन द टिश्यू दैट मे बी ड्यू टू अ डिजीज, दैट मे बी ड्यू टू अ ट्रॉमा, दैट इज कॉल्ड अ स्किन लीजन, दैट इज कॉल्ड अ स्किन लीजन। स्किन लीजन कैन बी प्राइमरी, सिर्फ वो स्किन लीजन ही डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल सोरियासिस, ठीक है, उसके साथ आर्थराइटिस भी होता है, बट वो बीमारियां जो सिर्फ स्किन लीजन करती हैं वो है प्राइमरी स्किन लीजन, और वो बीमारियां जो इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं और उसके साथ साथ आउटसाइड स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर रैशेज या लीजन अपीयर होते हैं वो है सेकेंडरी स्किन लीजन। एनी हाउ दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन लीजन। स्किन लीजन या स्किन डैमेज या स्किन टिश्यू का जो एबनॉर्मल अपीयरेंस किस किस तरह की हो सकती है, सबसे पहले उसमें आता है मैक्यूल। ये आगे जो हम 6-7 लीजन पढ़ेंगे, मैक्यूल, पेफ्यूल, पैच, विजिकल, बुला, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर वाइवा। आपके वाइवा में इनके बारे में क्वेश्चन होगा। हर लेक्चर में हम वाइवा क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे ताकि एंड पे आपको मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले जो स्किन लीजन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्यूल। क्या है? मैक्यूल। मैक्यूल कैसा स्किन लीजन है? इट्स अ फ्लैट स्किन लीजन। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसके ऊपर, स्किन लीजन के ऊपर, मैक्यूल के ऊपर उसको पेल्पेट करें, उस पर हाथ फेरें, तो वो हमें महसूस नहीं होगा। उसका टेक्सचर ऐसा ही है जैसे सराउंडिंग स्किन का, वो पेल्पेबल नहीं है, यानी वो उभरा हुआ नहीं है। वो क्या है? सिर्फ एक स्किन डिस्कलरेशन है। द कलर ऑफ द स्किन लीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन। इसके अलावा उसको हम पेल्पेट नहीं कर सकते, वो उभरा हुआ नहीं है, दैट इज नॉट एलिवेटेड अबव द स्किन सर्फेस। अगर हम उसको फील करें तो उसकी फीलिंग ऐसी ही है जैसी बाकी स्किन की है, देयर इज नो डिफरेंट फीलिंग, द लीजन इज नॉट एलिवेटेड फ्रॉम द स्किन सर्फेस। तो इसको क्या कहेंगे? फ्लैट एंड नॉन पेल्पेबल। फ्लैट एंड नॉन पेल्पेबल, फ्लैट है, पेल्पेट नहीं कर सकते। सिर्फ क्या बात है कि कलर इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन। और लास्ट बात क्या है कि इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम होगा तो हम इसे मैक्यूल कहेंगे। डायमीटर 1 सेंटीमीटर से इसका कम होगा तो इट्स जस्ट अ स्किन डिस्कलरेशन। कलर इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन। कलर इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन। इट इज फ्लैट, इट इज नॉन पेल्पेबल। द कलर इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन एंड इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और अगर ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए यही स्किन लीजन तो हम इसे कहेंगे पैच। तो आपने इसको इस तरह याद करना है, मैक्यूल और पैच, मैक्यूल या पैच, मैक्यूल और पैच। मैक्यूल क्या है हमने पढ़ा, पैच क्या है? मैक्यूल ही है, बस उसका डायमीटर इज मोर देन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का जो मैक्यूल है उसे हम पैच कह देंगे।
मैम मैक्यूल जो है उस पे वो तो वैसे ही मतलब दिख रहा है जैसे कोई आपके ऊपर कोई स्किन के ऊपर गर्म चीज गिरती है तब तो भी तो वैसे पैच बन जाता है जैसे मैक्यूल है। जी बेटा ऐसा ही है। अच्छा आप ना प्लीज क्वेश्चन थोड़ा एंड पे पूछें, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो ही इंटरप्ट करें प्लीज। है क्वेश्चन? ओके मैम हाँ क्वेश्चन एंड पे मैं आपको इंशाल्लाह 10 मिनट्स दूंगी, आप क्वेश्चन पूछें तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैक्यूल जो है वो उसको हम फील करेंगे, वो हमें फील नहीं होगा क्योंकि वो एलिवेटेड फ्रॉम द स्किन सरफेस नहीं है। उसका टेक्सचर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन, सेम टेक्सचर है जो स्किन का। सिर्फ क्या मसला है, डिस्कलरेशन है, कलर इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन। और दूसरी बात क्या है, लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यही लिए अगर 1 सेंटीमीटर से एक्सीड कर जाए, 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, पैच, मैक्यूल और पैच। तो दो वेरी इंपॉर्टेंट स्किन लियन जो है वो ये हैं। ये आप सबने देखा होगा कि जी चांद ग्रहण है, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं किसी के फेस पे, किसी के पेट पे, तो इस तरह का स्किन लियन जो है वो आपने कम्युनिटी में आम देखा होगा। अच्छा मैक्यूल और पैच, मैक्यूल है लेस देन 1 सेंटीमीटर स्किन डिस्कलरेशन और पैच है मोर देन 1 सेंटीमीटर, लार्जर देन 1 सेंटीमीटर स्किन डिस्कलरेशन। तो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्किन लियन, मैक्यूल और पैच। अब इसके आगे आ जाए पेप्यूल। जैसे कि मैक्यूल था लेस देन 1 सेंटीमीटर था लेकिन फ्लैट था, नॉन पेल्पेबल था, ये स्मॉल लियन पेल्पेबल है, एलिवेटेड फ्रॉम द स्किन सरफेस है। इसको हम फील करें तो हम इसे फील कर सकते हैं बिकॉज इट इज एलिवेटेड फ्रॉम द स्किन सरफेस। एंड मैक्यूल की तरह ही ये पेप्यूल भी लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। मैक्यूल की तरह पेप्यूल भी इसमें साइज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है कि वो भी लेस देन 1 सेंटीमीटर था और ये भी लेस देन 1 सेंटीमीटर, लेकिन वो नॉन पेल्पेबल था, नॉट एलिवेटेड फ्रॉम द स्किन सरफेस था, टेक्सचर स्किन के साथ ही था, कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन इसमें क्या है कि इट इज अ स्मॉल पेल्पेबल लियन, हम इसे पेल्पेट कर सकते हैं। जब हम इसे फील करेंगे तो ये हमें बाकी स्किन से डिफरेंट उभरा हुआ फील होगा। इट इज पेल्पेबल, वी कैन पेल्पेट द पेप्यूल, वी कैन पेल्पेट द पेप्यूल बिकॉज इट इज एलिवेटेड फ्रॉम द स्किन सर्फेस एंड इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डाया। और यही लियन अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर इन डाया हो जाए तो हम इसे प्लैक प्लैक कहेंगे। यही पेप्यूल स्मॉल पेल्पेबल एलिवेटेड स्किन लियन बट इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यही स्किन लियन अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर हो जाए तो हम इसको प्लैक कहेंगे। ये सोराइसिस, जहां तक मैं समझती हूँ ये सोराइसिस का लियन है, क्योंकि सोराइसिस का जो लियन है वो नी और एल्बो के ऊपर ज्यादा होता है, फेस को नेक को स्पेयर करता है और ये नी और एल्बो पे ज्यादा होता है। और इसके साथ आर्थराइटिस भी होता है पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को इसके साथ आर्थराइटिस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आर्थराइटिस के साथ, आर्थराइटिस क्या है, ज्वाइंट पेन एंड इंफ्लेमेशन। व्हाट इज आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन एंड इंफ्लेमेशन, यू नो वेरी वेल। तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास आर्थराइटिस के साथ जाता है तो डॉक्टर उसकी उससे सोराइसिस के बारे में पूछता है और उससे पूछता है कि आपके स्किन के ऊपर कोई इस तरह का प्लेक तो नहीं बना हुआ, ऐसा ऐसा स्किन लियन आपके किसी हिडन स्किन पार्ट के ऊपर, ऑब्वियसली नी के ऊपर है या एल्बो के ऊपर है, वो कवर भी हो सकता है। तो जब पेशेंट आर्थराइटिस के साथ किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है तो वो उससे स्किन लियन के बारे में भी पूछ सकते हैं क्योंकि इट कैन बी सोरियाटिक आर्थराइटिस, सोराइसिस के साथ आर्थराइटिस जो एसोसिएटेड होता है ये वो भी हो सकता है। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पे स्किन लियन की। पेप्यूल एक स्मॉल लियन है जो कि जिसको हम फील करें तो वो हमें फील होगा बिकॉज इट इज एलिवेटेड फ्रॉम द स्किन सरफेस एंड इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यही पेप्यूल अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर हो जाए तो हम इसे प्लैक कहेंगे, हम इसे प्लैक कहेंगे। तो प्लैक कैसा लियन है, ऐसा लियन जो कि पेल्पेबल है, ऐसा लियन जो कि एलिवेटेड फ्रॉम द स्किन सरफेस है, ऐसा लियन जिसको हम पेल्पेट कर सकते हैं, और ऐसा लियन जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़ा है डायमीटर में, उसको हम कहेंगे प्लैक, उसको हम कहेंगे प्लैक। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा स्किन है। अभी तक हमने जितने लियन पढ़े हैं हमने कहीं ये बात नहीं की कि इसमें फ्लूइड है, नहीं की ना, ना तो मैक्यूल में कोई फ्लूइड था, ठीक है, ना पैच में कोई फ्लूइड था, ना ही पेप्यूल, पेप्यूल एक एलिवेटेड स्किन लियन जरूर है लेकिन इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, प्लैक में भी एलिवेटेड स्किन सरफेस
है और पेल्पेबल है और मोर देन 1 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, तो ये कौन सा लीजन है? विजिकल। जब किसी फ्लूइड स्मॉल स्मॉल लीजन में फ्लूइड फिल्ड लीजन होगा, स्मॉल लीजन होगा और फ्लूइड फिल्ड होगा, उसको हम कहेंगे आइडियली स्पीकिंग विजिकल। वैसे हम इसको क्या कहते? पेप्यूल। अगर इसमें फ्लूइड ना होता इस तरह के लीजन को हम क्या कहते? पेप्यूल। लेकिन अब इसमें फ्लूइड है, अब इसमें फ्लूइड है। फ्लूइड मैं बार बार कह रही हूँ, मैं पस नहीं कह रही, ठीक है? अगर पस होगी इस लीजन में तो ये पस्ट्यूल होगा, वो आगे आएगा। अगर इस लीजन में पस होगी तो इसको हम पस्ट्यूल बोलेंगे, पस्ट्यूल। और अगर इसमें क्लियर फ्लूइड है या टर्बिड फ्लूइड है, इतना क्लियर नहीं है ये जो विजिकल्स, तो इसको हम विजिकल बोलेंगे, ठीक है? ये जो मुझे नजर आ रहा है इस वक्त रेड रेड स्किन सरफेस है, उसके ऊपर ये विजिकल बने हुए हैं, तो इसको, ये जो रेड स्किन सरफेस है नीचे, इसको हम क्या कहते हैं? एरिथीमा। ERYTHEMA, एरिथीमा, रेडनेस। रेडनेस को हम मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एरिथीमा। तो ये भी कहते हैं कि जैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना इस तरह की लीजन्स की, तो कहते हैं कि स्मॉल विजिकल्स ऑन एरिथीमेटस और उसके अराउंड जो है एरिथीमेटस हेलो है, बाज उसके लीजन होते हैं रेड कलर की डिमार्केशन होती है उसके इर्द गिर्द, तो हम कहते हैं कि एरिथीमेटस रेड कलर का हेलो, हेलो मीन दायरा, ठीक है? एनी हाउ दिस इज अ विजिकल स्मॉल फ्लूइड फिल्ड लीजन, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड लीजन कह लें या ब्लिस्टर कह लें, दिस इज विजिकल। और अगर ये फ्लूइड, अगर इसी विजिकल का साइज जो है वो 0.5, ये कितने हैं? 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर। विजिकल का क्या डायमीटर होगा? लेस देन 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर 0.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? बर्न में इस तरह के, पंजाबी में इनको क्या कहते हैं? छाले पड़ जाते हैं, ठीक है? फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड कंटेनिंग ब्लिस्टर्स, बुला, ठीक है? लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स 0.5 सेंटीमीटर और मोर इन डायमीटर, उसको फिर हम क्या कहेंगे? बुला। इसको हम क्या कहेंगे? बुला। यानी ऐसा विजिकल जो 0.5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है उसको हम कहेंगे बुल्ला, ठीक है? इन दोनों में फ्लूइड होता है। और अगर किसी स्मॉल पेल्पेबल लीजन में, पेप्यूल जैसे लीजन में, विजिकल जैसे लीजन में पस होगी तो हम उसे कहेंगे पस्ट्यूल, हम उसे कहेंगे पस्ट्यूल, ठीक है? स्मॉल फ्लूइड फिल्ड पेल्पेबल लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डाया और उसमें पस होगी तो हम उसे पेप्यूल नहीं कहेंगे, हम उसे पस्ट्यूल कहेंगे, हम उसे विजिकल नहीं कहेंगे, हम उसे पस्ट्यूल कहेंगे, क्योंकि अब नजर आ रहा है कि इसके अंदर पस, तो हम इसे पस्ट्यूल कहेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ द सुपीरेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पहले ये विजिकल ही था या मैक्यूल था या विजिकल था, इसमें फ्लूइड था, वो फ्लूइड अब इन्फेक्ट हो गया, अब वो स्टीराइल विदाउट इन्फेक्शन फ्लूइड नहीं रहा, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो अब हम उसको कहेंगे पस्ट्यूल। नाउ दिस इज नॉट अ विजिकल, अब जो उसमें फ्लूइड है वो पस है, तो अब हम उसे कहेंगे पस्ट्यूल। अच्छा, किसी भी फ्लूइड से या पस से जब एग्जुडेट, जो उसका फ्लूइड कंटेंट होता है या पस कंटेंट होता है, वो जाहिर है ये जो पस्ट्यूल या विजिकल होते हैं ये बस्ट कर जाते हैं, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो हट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ये फट जाते हैं, बर्स्ट करते हैं, तो इनका जो फ्लूइड है वो बाहर आके स्किन के ऊपर जम जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रस्ट। सारे ये जो स्किन लिए ना, इन्होंने हील भी तो होना है ना, इन्होंने ऐसे ही तो नहीं रहना, तो इनका जो ये जो छाले हैं जैसे बर्न के होते हैं बुला, ये भी फट जाते हैं और इनका जो फ्लूइड है वो स्किन के ऊपर लगा हुआ होता है और वो ड्राई ड्राई होता जाता है और वो स्कैब बनाता है, क्रस्ट उसको कहते हैं, ठीक है? जब द ड्राइड एग्जुडेट फ्रॉम अ विजिकल बुला या पस्ट्यूल, किसी का भी जो एग्जुडेट है वो जब बाहर आके सेटल डाउन हो जाएगा तो वो क्रस्ट बनाएगा, जिसको आम जुबान में हम स्कैब स्कैब SCAB स्कैब कहते हैं। एनी हाउ इट इज टेक्निकली कॉल्ड अ क्रस्ट। इसके नीचे फिर हीलिंग होती रहती है, फिर ये अच्छी तरह ड्राई हो जाता है, और जब ये अच्छी तरह ड्राई नहीं होता तो हमें इसे नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे हीलिंग हो रही है,
ये प्रोटेक्ट कर रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर से अंडरलाइंग स्किन को, जो कि डैमेज स्किन है, डिजीज स्किन है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके नीचे हीलिंग हो रही है। तो हम जब ये फ्रेश होता है तो उसको नहीं उतारते, जब अच्छी तरह ड्राई होता है तो फिर हम इसको उतार देते हैं, फिर नीचे वाली स्किन जो है वो हेल्दी हो चुकी होती है, हील हो चुकी होती है। ठीक है, ये आम ऑब्जर्वेशन आप सबने की होगी। यहाँ तक के जो स्किन लियन है ना आपके वाइवा में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिकली ये आम देखने को मिलते हैं, कम्युनिटी में ये आम देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ तक के जो स्किन लियन है ये आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइपर केराटोसिस जो है कि एपिडर्मिस। देखें, स्किन जो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम में मैंने आपसे कहा आता है स्किन, हेयर एंड नेल। जो स्किन है उसके दो पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस बाहर वाली और डर्मिस उसके नीचे। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस। डर्मिस में ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, स्किन के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, इसकी 5 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली स्ट्रेटम बेसल, उसके नीचे, उसके ऊपर फिर स्पाइनोजम, ग्रैनुलोजम, ल्यूसिडम, और सबसे बाहर स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम सी फॉर कॉर्नियम। 5 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। सबसे नीचे वाली बेसल जो कि न्यू सेल्स बनाती है, सारी लेयर उसी से बनती है। ठीक है, वही बेसल ही है जो जो नए सेल्स बनाती है, और वो ऊपर जाते जाते डिफरेंट शेप और कैरेक्टरिस्टिक उनकी होती जाती है। और सबसे बाहर वाली जो सबसे नीचे वाली एपिडर्मिस की जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो बेसल है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटम, ग्रैनुलोजम, ल्यूसिडम, ठीक है, स्पाइनोजम, ये तीनों लेयर्स आती हैं। और आखिर वाली जो सबसे बाहर वाली स्किन की लेयर है उसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। वो जब बहुत थिक हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपर केराटोसिस। हाइपर मीन ज्यादा, केराटोसिस का मतलब केराटिनोसाइट्स, आपको पता है स्किन के सेल्स को कहते हैं केराटिनोसाइट्स। स्किन सेल्स आर मेडिकल लैंग्वेज में उनको कहते हैं, स्किन सेल्स को क्या कहते हैं, केराटिनोसाइट्स, स्किन बनाने वाले स्किन सेल्स या स्किन सेल्स। तो हाइपर का मतलब ज्यादा और केराटोसिस स्किन सेल्स। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, और जब वो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे हाइपर केराटोसिस। हाइपर केराटोसिस जो कि इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, पैरा केराटोसिस क्या है कि केराटिनोसाइट्स, स्किन के जो सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई नहीं जाया होते या नहीं डैमेज होते, वो उधर ही रह जाते हैं, स्किन के ऊपर ही रह जाते हैं, तो उसको कहते हैं पैरा केराटोसिस। उसको कहते हैं पैरा केराटोसिस। हाइपर केराटोसिस में क्या है कि सारे का सारा सेल रह जाता है, और पैरा केराटोसिस में क्या, सिर्फ न्यूक्लियस रह जाता है, बाकी सेल शेड हो जाते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस रह जाता है, तो उसको हम कहते हैं पैरा केराटोसिस। एनी हाउ, एकेंथोसिस, ये लियन तो आप सबने देखा होगा किसी ओबीस पेशेंट की गर्दन पे, ठीक है, या ये अंडर आर्म्स में ये लियन होता है, ये शो करता है ओबेसिटी को। और इसके अलावा ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की सूरत में डायबिटिक पेशेंट्स, ओबीस पेशेंट में नजर आएगा आपको, स्किन फोल्ड्स के ऊपर, गर्दन के ऊपर, ठीक है, स्किन फोल्ड्स पे नजर आएगा। ये क्या है, एपिडर्मस सारी की सारी थिक हो गई है। इसमें क्या था, हाइपर केराटोसिस में क्या था, सिर्फ स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर है वो थिक हुई थी, लेकिन एकेंथोसिस में क्या है, सारी की सारी एपिडर्मिस ही थिक हो गई है, इसलिए ये ब्लैक ब्लैक सी अपीयरेंस आपको नजर आती है ओबीस लोगों में, डायबिटिक लोगों में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एंडोक्रेनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज में नजर आती है। बहरहाल ज्यादा ये आपको ओबीस लोगों में देखने को मिलेगा, नेक पे लियन या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है डायबिटिक्स में, उसमें देखने को मिलेगा, इट शोज इंसुलिन रेजिस्टेंस इन डायबिटिक्स। एकेंथोसिस, नाइग्रिकेंस भी इसको कहते हैं, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। नाइग्रिकेंस का क्या मतलब, ब्लैकनिंग, ब्लैकिश अपीयरेंस। एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, इसका पूरा नाम क्या, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, इट इज अ थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस। फिर स्पॉन्जियोसिस है, एपिडर्मल जो सेल्स हैं उनके दरमियान में फ्लूइड एडिमा है स्किन के अंदर, इंटरसेलुलर एडिमा, दो जो सेल्स हैं उनके दरमियान में एडिमा है, यानी कि वाटर कंटेंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल रीनल फेलियर का पेशेंट है, कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, तो पीडल एडिमा है, लोअर एक्सट्रीमिटीज पे एडिमा है, ठीक है, या कोई लोकल इन्फेक्शन है, सेलुलाइटिस है, सेलुलाइटिस आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेलुलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, और जगहों पर भी हो सकता है लेकिन ज्यादा फीट पे, डिपेंडेंट पार्ट्स पे होता है।
स्किन इन्फेक्शन है, बड़ा सीरियस किस्म का स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेलुलाइटिस। तो उन सब केसेस में ये स्पंजियोसिस हमें देखने को मिलता है। इसमें जो हेयर फॉलिकल जहां से निकल रहा है ना, वो जगह ज्यादा प्रोमिनेंट हुई भी होती है ड्यू टू एडिमा। क्योंकि देखिए हेयर फॉलिकल उसमें बना हुआ है, वो तो जगह स्वेल होके बाहर नहीं आ सकती ना, उसने अपनी जगह पे ही रहना है, तो बाकी जगह जो है वो उसका एडिमा हो जाएगा। तो ऐसे की अपीयरेंस नजर आएगी आपको स्पंजियोसिस। एनी हाउ ये एडिमा में देखने को मिलती है। एक एंथ्रोलाइसिस, एपिडर्मल सेल्स जो है वो एपिडर्मल सेल्स एक दूसरे के साथ नॉर्मल हालात में जो है हेल्दी पर्सन में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है वो एक दूसरे के साथ डिटैच होकर आजाद फिर रहे। सेपरेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स वन फ्रॉम द अदर सो दैट द सेल्स बिकम फ्लैट विद इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक दूसरे से एपिडर्मल सेल्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए, दैट इज कॉल्ड एकेंथोलाइसिस। एकेंथोलाइसिस ये बहुत ही सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसके एंड पे जाके इस तरह की अपीयरेंस देखने को मिलती है। ये सारे लियंस कोई मार्स से नहीं आए, ये आप फॉर एग्जांपल जिना हॉस्पिटल के स्किन वार्ड का कभी वहां चक्कर लगे, एक चक्कर लगा लो, ये सारे के सारे स्किन लियन आपको वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्किन के ओपीडी में कभी एक दिन चले जाए, यू विल सी ऑल दीज लियंस। कम्युनिटी में इनमें से बहुत सारे आपने देखे भी होंगे। अच्छा, लास्ट हमारा जो स्किन लियन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइकेनिफिकेशन। लाइकेनिफिकेशन, लाइकेनिफिकेशन क्या है? देखें, जब स्किन डिजीज होती है ना तो दो ये जो सारे लियन बनते हैं ना, इनमें दो चीजें होती हैं, या तो इची है या नॉन इची है, खारिश होती है या नहीं होती, दो बातें होती है। स्किन लियन या तो इची है, इसमें खारिश होती है, या फिर नॉन इची है, खारिश नहीं होती। तो जो इच्ची स्किन लियन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्केबीज है पेशेंट को, खारिश है, स्केबीज बीमारी, खारिश की बीमारी, स्केबीज, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल वो उसमें पेशेंट स्क्रैच करता है स्किन लियन पे, खारिश करता है, तो स्किन को डैमेज करता है। जब डैमेज करता है, अब स्किन ने किसी ना किसी तरह उस डैमेज से बाहर आने की कोशिश करनी है, ग्रो करना है, हील करने की कोशिश करनी है, तो प्रॉपरली बार बार डैमेज करता है, बार बार स्क्रैचिंग करता है पेशेंट, तो स्किन सही तरह से नहीं हील हो पाती क्योंकि डैमेज बार बार, इससे पहले कि वो हील करे पेशेंट फिर स्क्रैच कर देता है उससे पहले। तो इसलिए पेशेंट को मना किया जाता है कि टॉपिकल सूदिंग एजेंट लगाएं, वेजलीन लगाएं, इसको हाइड्रेट रखें, इसको मॉइस्चराइज करके रखें, बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइजर, दुनिया का सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल है, ये है कोकोनट ऑयल है, इन दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं। दुनिया के हर क्रीम और लोशन जो अच्छा है उसमें एलोवेरा जेल होता है, कोकोनट ऑयल कई चीजों में होता है, तो ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर है। और भी बहुत अच्छी चीजें, बट जिनको मैं अच्छा जानती हूँ कि फिजियो जेल एक मशहूर मारूफ बड़ा अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसके अलावा हजारों मॉइस्चराइजर हैं अच्छे से अच्छे डिफरेंट कंपनीज के मार्केट में। तो हर बंदे को, चाहे वो किसी भी एज का, खास तौर पर एल्डरली को, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए, अच्छा अच्छा मॉइस्चराइजर सबको लगाना चाहिए ताकि स्किन जो है वो हमारी हाइड्रेट रहे और उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो डैमेज ना कर सके। सबको अपनी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखना चाहिए। अच्छा, तो ये लाइकेनिफिकेशन जो है, पेशेंट जब खारिश करता है तो वहां पे फिर जब हीलिंग होती है तो ये जो स्किन मार्किंग्स होती है, लाइन्स होती है, इनके अंदर इतना नाखून नहीं पहुंचता, ये बच जाती है, इनके अंदर जो स्किन होती है थोड़ी बहुत बच जाती है। तो इस खारिश और इस सारे प्रोसेस में जब ये स्किन जो है हीलिंग होती है, थिकनेस थिकनिंग होती है, तो ये जो मार्किंग्स है ये बच जाती है, तो ये मार्किंग ज्यादा वाजिया नजर आना शुरू हो जाती है क्योंकि बाकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है और मार्किंग जो है वो इतनी डैमेज नहीं है, लाइंस जो है, तो ये स्किन मार्किंग ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो हम कहेंगे एक्सेंचुएशन, यानी मोर प्रोमिनेंट हो जाना, ज्यादा वाजिया हो जाना, एक्सेंचुएशन बढ़ जाना, ज्यादा वाजे नजर आती है ऑफ स्किन मार्किंग्स। ये जो स्किन मार्किंग्स नजर आ रही हैं, ये लाइंस जो नजर आ रही हैं, इनकी एक्सेंचुएशन ये और ज्यादा क्लियरली नजर आना शुरू हो जाती है, कॉज्ड बाय स्क्रैचिंग। ये सारा मसला हुआ किस वजह से है? स्क्रैचिंग की वजह से, बहुत ज्यादा अर्ज होती है स्क्रैच करने की। इसलिए इस तरह के पेशेंट को रात को एंटीहिस्टामिन क्यों देते, ताकि उसके एंटीहिस्टामिन टेबलेट, रिजिक्स 10 mg टेबलेट, एविल 10 mg टेबलेट, जर्टिक 10 mg, इनका क्या इफेक्ट होता है कि थोड़ा सा एक तो पेशेंट को नींद आती है, दूसरा एंटीहिस्टामिन यहाँ पे इस सारी जगहों पे हिस्टामिन रिलीज हो रही होती है ना, तो एंटीहिस्टामिन इसको स्प्रेस करती है और थोड़ी सी नींद आती है,
पेशेंट रात को सो जाए, खारिश ना करे, और इसलिए इन सारे पेशेंट्स को रात में एंटीहिस्टामिन दी जाती है या लोकल एंटीहिस्टामिन प्रेपरेशंस होती है वो लगाई जाती है. ठीक है, तो दिस इज लाइक एनिफिकेशन. बिकॉज ऑफ रिपीटेड स्क्रैचिंग एंड रिपीटेड डैमेज टू द स्किन, स्किन की वहां पे जो हीलिंग है वो हो तो रही है लेकिन एबनॉर्मल हीलिंग हो रही है क्योंकि बार बार पेशेंट स्क्रैच करता है, तो स्किन मार्किंग जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, उसको हम कहेंगे लाइकेनिफिकेशन. कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि स्किन डिजीज या स्किन की कोई बीमारी हो गई है, इसके क्या साइन हो सकते हैं, हमें क्या नजर आएगा तो हम कहेंगे स्किन डिजीज लगती है. तो हम देखते हैं कि किसी भी किस्म का रैश या लियन जो हमने पीछे पढ़ा है, दैट कैन बी पेनफुल, दैट कैन बी इची या नॉन इची, खारिश वाला हो सकता है या बगैर खारिश के हो सकता है. स्किन जो है वो स्केली, उसके स्केल्स बन बन के उतर रहे हैं, जैसे हमने हाइपर केराटोसिस पैरा केराटोसिस में देखा. रफ स्किन, पीलिंग ऑफ द स्किन, स्किन उतर रही है, अल्सर्स बने हुए हैं स्किन के ऊपर. अल्सर क्या होता है, एपिथीलियम एब्सेंट है उससे बस, तो उसको आप कहेंगे अल्सर. Denudation, absence of the epithelium is called a ulcer. फिर वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अल्सर इंटरनली बॉडी में हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टमक का अल्सर हम पढ़ेंगे. ठीक है, और स्किन के ऊपर अल्सर हो सकते हैं. ठीक है, तो ये भी स्किन डिजीज को जाहिर करते हैं. ओपन सोर्स और लियंस जो हमने पीछे पढ़े हैं, ड्राई क्रैक स्किन, डिसकलर्ड पैचेस ऑफ द स्किन जो हमने पीछे मैक्यूल और पैच पढ़ा है. ठीक है, डिसकलर्ड पैचेस ऑफ द स्किन, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम हमें स्किन डिजीज की तरफ इशारा करते हैं कि स्किन को कोई डिजीज है जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए. अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन, हेयर और नेल, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. ठीक है, तो एजिंग के साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिनका फिर हमारी लाइफ पे बहुत जो है बड़ा फर्क पड़ता है, और उसके मुताबिक हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर करना चाहिए, चेंज करना चाहिए. तो वो क्या चेंजेस हैं, एक 30 इयर्स के बंदे की स्किन कैसी होती है, 20 इयर्स के बंदे की स्किन कैसी होती है, 50 इयर्स और 80 इयर्स, इन सबकी स्किन में क्या चीजें डिफरेंट हैं, ये हम अब पढ़ेंगे. तो जैसे जैसे बंदा एज करता है, स्टेम सेल प्रोडक्शन डिक्लाइंस, यानी कि जो नए सेल्स बनते हैं, 20 ईयर्स का बंदा है उसका सेल जो है वो 3-4 दिन में रिप्लेस हो जाता है, एक 80 ईयर्स का बंदा है उसका जो सेल है वो 15 दिन उधर ही पड़ा रहता है. ठीक है, ये मतलब है इसका कि स्टेम सेल प्रोडक्शन, न्यू सेल प्रोडक्शन कम हो जाती है विद एजिंग, तो पुराना सेल ही पड़ा रहता है. अब जो पुराना सेल है वो कैसा हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पुराना सेल है ना, उसको तो डिन्यूडेशन हो जानी चाहिए थी, उसको तो रिप्लेस हो जाना चाहिए था, टर्नओवर अच्छा होना चाहिए था स्किन के सेल्स का, लेकिन ऐसा नहीं है. क्यों, स्किन की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती जाती है विद एज. विद एज जो है ब्लड सप्लाई स्किन की डिक्रीज होती जाती है, इस वजह से नए सेल्स नहीं बनते, पुराने सेल्स पे गुजारा करना पड़ता. तो स्टेम सेल प्रोडक्शन डिक्लाइंस विद एज. ठीक है, एपिडर्मल सेल्स जो है वो स्लोली टर्नओवर होते हैं, रिप्रोडक्शन न्यू सेल्स की कम होती है, पुराने ही सेल पड़े हुए हैं तो दे बिकम लार्जर एंड इरेगुलर. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन जो है पहले जो थिक थी, अच्छी कंसिस्टेंसी, अच्छे एक स्किन थी, वो थिन होती जाएगी. ठीक है, और इस सब चीज का नुकसान क्या होगा, स्किन को इंजरी का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि स्किन अब वो हेल्दी स्किन नहीं रही जो यंग एज में होती है. ओल्ड एज में स्किन थिन भी हो जाती है और पुराने सेल से बनी हुई होती है, सेल्स का टर्नओवर अच्छा नहीं होता, तो ये जो स्किन है सन डैमेज, सन बर्न, स्किन कैंसर और इंजरीज को ज्यादा, इन्फेक्शन को ज्यादा वल्नरेबल है. सेल्स इतनी अच्छी नहीं है ना, तो इन्फेक्शन को और इन सारे एनवायरमेंटल डैमेज को इतना अच्छा उनका मुकाबला नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी. इसके अलावा हीलिंग इम्पेयर होगी. एक 20 ईयर्स का बंदा, उसके स्किन पे कट लगा है, वो 3-4 दिन में हील हो जाएगा. एक 80 ईयर्स का बंदा है, वो हफ्ता 2 हफ्ते उसको लेके बैठा रहेगा. क्यों, वुंड ने हील होना है ब्लड सप्लाई से. ठीक है, ब्लड कहाँ से आता है, एपिडर्मस के नीचे जो डर्मिस है उसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स होती है. एपिडर्मस के ऊपर नीचे जो डर्मिस है उसमें हमारी ब्लड वेसल्स होती है, उसके नीचे फिर सबकुटेनियस टिश्यू है. ठीक है, तो एपिडर्मस के नीचे डर्मिस है, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, वो कम हो गई है. ब्लड सप्लाई स्किन की एज के साथ कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो गई तो हीलिंग पावर कम हो गई, इसलिए
कट्स एंड इंजरीज हील होने में ओल्ड एज में ज्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है। अच्छा, स्किन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो एक्स्ट्रा हीट जो है बॉडी की वो लूज करती है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, हमें पसीना आता है गर्मी में और वो पसीना जो है वो हवा से एनवायरनमेंट में जाता है और हमारी बॉडी जो है वो कूल होती है। तो ओल्ड एज में स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, स्किन थिन हो गई है, स्किन की ब्लड सप्लाई कम है, सेबेशियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड की क्वांटिटी कम है, पसीना कम आता है, तो हीट लूज करने की जो एबिलिटी है, हीट कैसे लूज होनी, ब्लड सप्लाई से ही लूज होनी है ना, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो हीट लूज करने की एबिलिटी भी कम हो जाएगी। सो ओल्ड एज में पेशेंट की जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। सर्दियों में उन्हें जल्दी सर्दी लग सकती है और गर्मियों में उन्हें जल्दी गर्मी लग सकती है। उनका जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन का सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं रहता बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द स्किन। सो द एबिलिटी टू लूज हीट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द स्किन। सो बूढ़े लोगों को जल्दी उनका जो बॉडी टेम्परेचर है गर्मियों में डेंजरसली हाई हो सकता है, सर्दियों में डेंजरसली लो हो सकता है, इसलिए उसकी केयर करने की आपको ज्यादा जरूरत है। अच्छा, स्किन में स्किन प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस जो है वो स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है फौरन उसको मुकाबला करने के लिए, उसको मारने के लिए मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। मैक्रोफेजेस क्या है, हमारी स्पेशल वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं। इनकी क्वांटिटी 50% रह जाती है, आधे रह जाती है। तो अब ये क्या है, ये तो स्किन का इम्यून सिस्टम था, ये हाफ रह गया, तो इसका मतलब है कि कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस जो है वो स्किन पे ज्यादा असरअंदाज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो स्किन डैमेज, स्किन इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि मेलानिन, सब जानते हैं कि मेलानिन ब्लैक कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारा एशियंस का वाइटिश व्हीटिश कम्प्लेक्शन होता है। अंग्रेजों में मेलानिन कम है तो वो वाइट होते हैं और निग्रोज में बहुत ही ज्यादा है मेलानिन तो वो ब्लैक होते हैं। तो मेलानिन की प्रोडक्शन जो है, मेलानिन बड़े काम की चीज है, मेलानिन बड़े काम की चीज है। ये किस तरह काम की चीज है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज और सन डैमेज से हमारी स्किन को बचाती है। विद एजिंग मेलानिन प्रोडक्शन डिक्रीजेस मोस्ट ऑफ द स्किन में, इसलिए स्किन पेल नजर आती है। आप कहते थे जवानी में तो ये बंदा काला सा था, अब बूढ़ा होकर बड़ा बूढ़ा हो गया, तो उसका मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अब स्किन मेलानिन कम हो गया, गोरे तो हो गए, पेलर कॉम्प्लेक्शन हो गया, जैसे भी हो गए, लेकिन अब स्किन इज मोर वल्नरेबल टू स्किन कैंसर, यूवी लाइट इंड्यूस डैमेज, सनबर्न, ठीक है। तो इन सब चीजों को स्किन अब मोर वल्नरेबल टू सनबर्न एंड स्किन कैंसर्स बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड मेलानिन प्रोडक्शन। इसके साथ साथ कहीं कहीं किसी किसी जगह पे मेलानिन की डीप्रोग्रामिंग हो जाती, कहीं कहीं मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है किसी किसी स्पॉट पे, छोटी छोटी जगह पे, तो वो एज स्पॉट्स के तौर पे वो जगह वहां पे टिल बॉडी पे या फेस पे ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के, ठीक है, तो एज स्पॉट्स कहीं कहीं पे मेलानिन प्रोडक्शन छोटी छोटी जगह पे ज्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल सारी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो कम। और हेयर में जब मेलानिन प्रोडक्शन कम हुई तो हेयर वाइट हो गया, वाइटनिंग, ग्रेइंग ऑफ हेयर बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड मेलानिन प्रोडक्शन बॉडी के, बियर्ड के, मोस्टेशी के, और खासतौर पर हेड के जो हेयर है वो वाइट हो गए, ग्रे हो गए बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड मेलानिन प्रोडक्शन। सेबेशियस ग्लैंड क्या है, हमारी हेयर बेरिंग एरिया पे एक नेचुरल जो है लोशन कह लें या हाइड्रेटिंग एजेंट कह लें, ऑयली सिक्रीशंस बनाते हैं, स्वेट ग्लैंड तो वाटरी सिक्रीशन बनाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी की एक्सेस हीट निकालते हैं, ठीक है, और सेबेशियस ग्लैंड ऑयली सिक्रीशन बनाते हैं, तो ये बॉडी को नेचुरल एक मॉइस्चराइजर का काम देते हैं। इनकी एक्टिविटी क्वांटिटी डिक्लाइन हो जाती है, सो इनकी सेबेशियस ग्लैंड जो अपनी बनाते हैं सिक्रीशन, उसको क्या कहते हैं, सीबम, SEBUM, सीबम, तो सीबम प्रोडक्शन नेचुरल लोशन, नेचुरल मॉइस्चराइजर डिक्रीजेस, ठीक है, और ये कम हो जाता है, तो ये स्किन को हाइड्रेट रखता था, प्रोटेक्ट करता था, अब ये नहीं है, कम हो जाएगा तो स्किन ड्राई होगी, स्केली होगी, इच्ची होगी, तो इसका काम हम क्या करें कि हम
कोई आर्टिफिशियल मॉइस्चराइजर जो है वो ओल्ड एज में लोग ज्यादा लगाएं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी कम होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, पसीना कम आता है, ठीक है। और इन दोनों चीजों की वजह से स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी भी कम, स्पेशल ग्लैंड की एक्टिविटी भी कम, स्किन विल बिकम ड्राई, स्केली, इची, फ्लेकी, ठीक है, इस तरह की स्किन हो जाएगी। अच्छा, अब ओल्ड एज में स्किन जो है आपको पता है कि लटक जाती है, रिंकल्स पड़ जाती है। वो क्यों होता है? हमारी स्किन के नीचे फैट होती है जिसकी वजह से हमारे फेशियल फीचर्स होते हैं, जो भी हाथ पांव की एक जो है वो शेप होती है। अब एज के साथ वो जो सबकुटेनियस फैट है वो कम रह जाती है, तो स्किन जो है वो ढलक जाती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ दैट सबकुटेनियस फैट। लॉस ऑफ फैट एंड फैट और कोलेजन जो स्किन के अंदर था, जिसने उसको खड़ा किया हुआ था, वो अब कम हो गया, तो स्किन जो है वो सैगिंग हो जाती है, स्किन की स्किन ढलक जाती है, ठीक है। तो इस वजह से लॉस ऑफ फैट और कोलेजन की वजह से इंटेग्यूमेंट या स्किन वीक हो जाती है, प्रोड्यूसिंग स्किन सैगिंग एंड रिंकलिंग, झुर्रियां पड़ना और स्किन का ढलक जाना इस चीज की वजह से होता है, ठीक है। वास्कुलैरिटी एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द स्किन डिक्रीजेज, वास्कुलर सप्लाई टू द नेल बेड डिक्रीजेज। अब आप याद करें कि आपने कोई जो 60 प्लस बंदा देखा है, उसके नेल, आप किसी 60 प्लस बंदे के नेल देखें, खासतौर पे ऐसा बंदा, खातून या मर्द जो इतनी केयर नहीं करते उनकी, ठीक है, ज्यादा लोशन वगैरह नहीं लगाते, ज्यादा केयर नहीं करते, तो आप देखेंगे कि उनके जो नेल है वो आपको लगेगा फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं ओल्ड एज में, किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज में ज्यादा होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी उनके जो नेल है वो थिक, ब्रिटल, इजी जल्दी से टूट जाने वाले थिक, ब्रिटल और नॉन हेल्दी किस्म के नेल होते हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द नेल बेड। ब्लड आएगा, न्यूट्रिशन आएगी, ऑक्सीजन आएगी, टिश्यू अच्छा होगा, ये सब चीजें यंग एज में होती हैं, ठीक है। ओल्ड एज में नेल बेड को भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज है, स्किन को भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज है, तो स्किन की सैगिंग होगी, रिंकलिंग होगी, पसीना कम आएगा, ठीक है, स्किन ड्राई होगी, थिन होगी, रिंकल्स आएंगी वगैरह वगैरह वगैरह। और जब नेल बेड की सप्लाई, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, तो नेल विल बिकम डिसकलर्ड, थिकन, ब्रिटल, आसानी से टूटने वाले, इस तरह के नेल होंगे। कैंसर्स आर मोर कॉमन, ठीक है। हमने बात की कि मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, हमने बात की कि स्किन जो है वो उसमें मैक्रोफेजेस की जो क्वांटिटी है वो लेस देन 50% रह जाती है, हमने बात की कि स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड नहीं होते, तो स्किन जो है वो ज्यादा ड्राई और मोर वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल डैमेज और इन्फेक्शन और इंजरी, सबका चांसेस ज्यादा है। ये सब चीजें मिलके कैंसर्स आर मोर कॉमन इन ओल्ड एज, ओके। मेलानिन भी कम है, ब्लड सप्लाई भी कम है, स्किन के डिफेंस मैकेनिज्म भी कम है, तो इन सब चीजें, न्यू सेल, ओल्ड सेल पड़े हुए हैं ना, तो उनमें कैंसर का चेंज, कैंसरस चेंज आने का ज्यादा चांस है, बजाय इसी के एक न्यू हेल्दी सेल पड़ा है उसमें कार्सिनोमेटस चेंज आने का कम चांस है। एक पुराना सेल पड़ा है 15-20 दिन पुराना, वो जाके ही नहीं दे रहा, लार्ज इरेगुलर, ठीक है, तो उसके अंदर कैंसरस चेंज आने का ज्यादा चांस है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन लियंस हमने पढ़े, एज के साथ कौन से चेंज आते हैं स्किन में, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब हमने पढ़ा। कोई सवाल आज के लेक्चर के बारे में बेटा? मैम ये लास्ट पेज में जो सेकंड पैराग्राफ है वो बता दो। मैम ये केराटिनो जो उसका समझाते हैं दोबारा। केराटिनोसाइट्स आर द स्किन सेल्स। नहीं नहीं इन वो जो स्किन लेयर थी उसके बता दें। केराटिनोसाइट्स कौन सा लेयर? हाइपर केराटोसिस और पैरा केराटोसिस। यस मैम, यस मैम। हाइपर, देखिए हाइपर का क्या मतलब है? ज्यादा हाइपर टेंशन, ठीक है, हाइपर प्रोडक्शन, जो भी हाइपर का क्या मतलब होता है, फलाना बंदा हाइपर हो गया, हाइपर का क्या मतलब है? ज्यादा। केराटोसिस का क्या मतलब है? केराटिनोसाइट्स या स्किन सेल्स। देखिए आपने वो पढ़ा होगा ना कि स्किन जो है उसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो केराटिन से बनी हुई है। केराटिन इज अ प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन जो है वो हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो केराटिन प्रोटीन से बनी हुई है, और हमारी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, एपिडर्मिस की जो सबसे बाहर वाली लेयर है,
उसको ऊपर से केराटिन प्रोटीन लाइन करती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्किन की दो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। जो एपिडर्मिस है उसकी आगे से पांच लेयर है, उसकी सबसे नीचे वाली लेयर है बेजेल, जो सारे सेल्स बनाती है, वही सेल्स सारे ऊपर जाते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है कॉर्नियम, सबसे बाहर वाली लेयर है कॉर्नियम, वो जब स्ट्रेटम कॉर्नियम उसको बोलते हैं, एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। वो जब थिक हो जाती है, उसके सेल्स जब गिर के ही नहीं देते, रिप्लेस होके ही नहीं देते, उधर ही पड़े रहते हैं, थिक होती जाती है, ज्यादा सेल्स बन जाते हैं वो स्ट्रेटम कॉर्नियम के, तो उसको हम कहेंगे हाइपर केराटोसिस। और उसके ऊपर फिर केराटिन प्रोटीन की लेयर भी होती है। केराटिन प्रोटीन कहाँ से बनेगी? स्किन के सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट, स्किन के सेल्स केराटिन प्रोटीन बनाते हैं। केराटिन प्रोटीन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द स्किन। तो वो कौन सी स्किन की एपिथेलियम कौन सी होती है? केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम का क्या मतलब है? कि लाइंड बाय द केराटिन प्रोटीन, ठीक है। हमारे नेल किससे बने हैं? केराटिन प्रोटीन से। हमारे हेयर किससे बने हैं? केराटिन प्रोटीन से। हमारी स्किन की पूरे ऊपर लेयर है केराटिन प्रोटीन की। ये केराटिन प्रोटीन कहाँ से आती है? स्किन के सेल्स बनाते हैं इसको, तो इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर आवर होल स्किन। जो स्किन की जो एपिथीलियम है उस वो केराटिनाइज्ड एपिथीलियम, इसके ऊपर केराटिन की लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। व्हेन इट विल बिकम थिक और उसके साथ ऊपर केराटिन की लेयर भी थिक हो जाएगी, तो हम इसको कहेंगे हाइपर केराटोसिस, ठीक है। पैरा केराटोसिस क्या है? कि यहाँ पे पूरे का पूरा सेल ही नया बन रहा है और पुराना सेल भी उधर ही पड़ा हुआ है, पूरे का पूरा सेल ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है? बाकी सेल लॉस हो जाता है लेकिन उसका न्यूक्लियस रह जाता है। देखिए यहाँ पे इतनी थिकनिंग नहीं है, यहाँ पे ज्यादा थिकनिंग है क्योंकि पूरा सेल उधर ही पड़ा रहता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के सारे सेल्स उधर ही पड़े रहते हैं, इसलिए ज्यादा थिकनेस है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ केराटिनोसाइट्स का न्यूक्लियस रह जाता है, बाकी सेल जो है वो लॉस हो जाता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैरा केराटोसिस, ठीक है। और ये पूरी की पूरी स्किन की एपिडर्मस ही थिक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। नाइग्रिकेंस से कहेंगे कि ये ब्लैक कलर का नजर आता है, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस यानी थिकनिंग ऑफ द होल ऑफ द एपिडर्मस, सारी लेयर्स ही थिक हो गई, सिर्फ स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं थिक हुई, सारी लेयर्स ही थिक हो गई। यहाँ मुझे अगर कोई नजर आए ना, एक सेकेंड, आप एक बार स्लाइड जो है वो स्किन के एनाटॉमी पे देखे ना, तो आपको बहुत अच्छा ये समझ आ जाएगा। अच्छा ये आप देख रहे हैं स्किन एनाटॉमी, जी स्किन एनाटॉमी, हाँ ये देखो, ये जो ऊपर है ये ब्राउन कलर की जो लेयर है ना, ब्राउन कलर की जो लेयर है ये केराटिन की लेयर है, ठीक है। स्किन इज कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस, ये इतनी एपिडर्मिस है, इसकी पांच लेयर्स है, उसके नीचे डर्मिस है, और आप देखें कि सारी ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टेरियोल्स और जो तरह तरह के रिसेप्टर्स हैं,
और इसके अलावा हेयर फॉलिकल, और ये क्या है, स्वेट ग्लैंड, ये उसकी डक्ट ऊपर जा रही है, स्किन के ऊपर ओपन कर रही है, यहाँ पे वो पर्सपिरेशन पसीना बना के लेके आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे है, डर्मिस में। स्किन इज कम्पोज्ड ऑफ सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसमें एपिडर्मिस में सबसे ऊपर केराटिन की लेयर, ये जो ब्राउन कलर की है, केराटिन इज अ प्रोटीन, स्किन को भी आउटर मोस्ट वो लाइन कर रही है, हेयर भी उसी से बना है, नेल भी उसी से बना है, ठीक है। तो स्किन की कौन कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस, जिसकी मैंने आपको बताया कि फाइव लेयर्स है, जिसकी मैंने आपको बताया कि फाइव लेयर्स है, सबसे नीचे बिजैल होती है, उसके बाद स्पाइनोजम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोजम, और सबसे बाहर होती है कॉर्नियम, और उसके ऊपर होती है ये केराटिन की लेयर, ठीक है। एपिडर्मस के नीचे होती है डर्मस, जिसमें हमारी ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, नेल हमारे जो है वो हेयर फॉलिकल्स है, ठीक है, और हमारे स्वेट ग्लैंड है, जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, परमानेंट हेयर रिमूवल, उसमें हम इसके अंदर जाके इसको बर्न करते हैं या करंट लगाते हैं, ठीक है, एक एक नेल उसके अंदर जाके, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रैक्टिकल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, डर्मा वाले ये काम करते हैं, ठीक है, लेजर से भी हम इसी को डैमेज करते हैं। एनी हाउ, एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, डर्मिस में सारी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, और उसके नीचे सबकुटेनियस फैट, ये सबकुटेनियस फैट और कोलेजन, कोलेजन डर्मिस में भी है, इधर सबकुटेनियस फैट के साथ भी कोलेजन है, ये एजिंग के साथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो उसमें रिंकलिंग हो जाती है और वो ढलक जाती है, ठीक है। तो अब समझ आई आपको स्किन के जो है वो सारे? यस मैम, यस मैम। ये एक और क्लियर पिक्चर है, देखें, एपिडर्मिस सबसे ऊपर होती है, उसके नीचे डर्मिस होती है, ये डर्मल पैपिला, डर्मस के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, ये डर्मल पैपिला इनको बोलते हैं, और उसके नीचे सबकुटेनियस फैट क्लियर होती है। मैं आपको ये देखें, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि एपिडर्मिस की डिफरेंट लेयर होती है, ये एपिडर्मिस की नीचे वाली स्ट्रेटम बिजैल, फाइव लेयर होती है एपिडर्मिस की, तो ये स्ट्रेटम बिजैल, ये नीचे फिर डर्मिस है, ये नीचे फिर ये वाली डर्मिस है, यहां से लेकर यहां तक एपिडर्मिस है, उसमें हम देखते हैं क्या क्या। ये देखिए स्ट्रेटम बिजैल, सबसे नीचे वाली लेयर, जिससे सारे ये सेल्स इसी से बन के जाने, बिजैल इसी से बन के जाने सारे सेल्स, ठीक है, स्ट्रेटम बिजैल। उसके ऊपर फिर ये सेल्स जो है वो यहाँ पे किस शेप के हैं, ऊपर जाके फिर फ्लैट हो रही है, सेल्स यहीं से सारे जाने, ये वाला सेल जो है वो भी यहीं से बन के आया, ये वाला सेल, एंड वाले सेल, ये तो खैर केराटिन है, बिल्कुल ऊपर केराटिन होती है, ये वाले जो सारे सेल्स हैं यही इन सबको बनाते हैं, इन सबके प्रिकर्सर्स हैं। प्रिकर्सर क्या होता है, जिससे कोई चीज बनती है, आटा रोटी का प्रिकर्सर है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है स्टेटम बिजैल, इसने सारे सेल्स ये वाले बना लिए, यही सेल ऊपर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये शेप ले लेंगे, ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ठीक है। तो स्टेटम बिजैल सबसे नीचे वाली लेयर है, जो न्यू सेल प्रोडक्शन करती है, उसके ऊपर स्पाइनोजम है, उसके ऊपर ग्रेनुलोजम है, ये देखिए अब ये और डिफरेंट सेल्स हैं, उसके ऊपर ल्यूसिडम है, ल्यूसिडम, और सबसे बाहर वाली है कॉर्नियम, वहां तक जाते जाते सेल्स जो हैं वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए हैं, ज्यादा इलोंगेटेड हो गए हैं, उनकी शेप में, स्ट्रक्चर, फंक्शन में चेंज आता जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सेल जो है वो शेड हो जाएगा, बस इसकी एज खत्म हो गई, यहाँ से शुरू हुआ, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, फिर शेड हो गया, अब नया नए नए सेल्स बनेंगे। तो यही हम बात कर रहे हैं कि एजिंग में ये स्टेम सेल प्रोडक्शन कम हो जाती है, सेल टर्नओवर कम हो जाता है, पुराने सेल्स पड़े हुए होते हैं, दैट आर मोर वल्नरेबल टू इंजरी, इन्फेक्शन एंड यूवी डैमेज, ठीक है, समझ आ गया। ये एपिडर्मस की हमारी सारी लेयर्स हैं, ठीक है, और एपिडर्मिस के नीचे हमारी होती है डर्मिस, और डर्मिस के नीचे हम ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, उसके नीचे होती है सबकुटेनियस फैट। तो ये स्किन का सारा एक स्ट्रक्चर है, आई होप कि आपको अब इसे समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे भी ये एपिडर्मिस है, उसके बाद ये डर्मिस में ये सारी चीजें हमारी, वेरियस सेंसरी नर्व एंडिंग्स, बहुत सारी तरह के स्किन रिसेप्टर्स जो कि आप फिजियोलॉजी में पढ़ते होंगे, पेन रिसेप्टर्स और टच के रिसेप्टर्स और वगैरह। अच्छा, ये क्या चीज है, ये है हमारे हेयर फॉलिकल के साथ सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। तो हेयर फॉलिकल कहाँ पड़ा होता है, डर्मिस में, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड कहाँ पड़े होते हैं, डर्मिस में, उसके बाद ये सबकुटेनियस फैट, ये हमारी एपिडर्मस, और ये ब्राउन लेयर केराटिन, ये ब्राउन लेयर केराटिन, केराटिन इज अ प्रोटीन,
प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द एपिडर्मिस केराटिन, हमारी जो स्किन की एपिथीलियम है वो केराटिनाइज्ड एपिथीलियम, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय लाइंड बाय केराटिन प्रोटीन. दिस इज द केराटिन प्रोटीन व्हिच मेक्स आवर हेयर, व्हिच मेक्स आवर नेल, व्हिच लाइंस होल ऑफ आवर स्किन एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, केराटिन प्रोटीन. ठीक है, होप कि अब आपको समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. मैम जी बेटा पूछे. मैम एलएमएस पे एनरोल नहीं हूँ मैं. मैम आपके बेटे एनरोलमेंट आपकी ऑटोमेटिक होनी है बेटे, हमने नहीं करनी. अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना नाम को ईमेल कीजिए. ठीक है. यस मैम, पहले मैं मरियम फातिमा के सेक्शन में थी, उन्होंने चेंज कर दिया आपके सेक्शन में, तो उनका एनरोल्ड है, आपका नहीं है. अच्छा मैम सेम इशू यही मेरा भी है. एंड सेम इशू मेरा भी यही है. आई थिंक के टू मजीद एक दो हफ्ते में ये प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे. मैंने कल भी अफनान को बताया था, एक दो बच्चों ने मुझे कल भी ये चीज कही थी तो मैंने उसको बताया था. तो आई होप के जरा अभी स्टार्ट है, एक आध हफ्ते में आपके जो इस तरह के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, नहीं हुए तो हम इधर ही है, कोई मसला नहीं है. ठीक है, और बाकी ये कि आपको रिकॉर्डिंग दे वो सारा वो तो एलएमएस के ऊपर ही मिल जाएगा. और इम्पॉर्टेंट बात ये कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के 5 लेक्चर हैं, जैसे ही 5 लेक्चर हमारे पूरे हो जाएंगे हम क्लास टेस्ट या क्विज दे लेंगे. ठीक है, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट अपना सिस्टम शुरू करेंगे तो हम असाइनमेंट आपको नेक्स्ट सिस्टम में से दे देंगे. ठीक है, तो ये आपके असेसमेंट प्लान की पहली दो चीजें मैंने आपको बता दी है कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के 5 लेक्चर्स हैं. 5 लेक्चर कम्प्लीट होते ही आपका क्लास टेस्ट या क्विज होगा जो कि ग्रेडेड होगा. 5-10% उसकी वेटेज होगी, 40% आपके सेशनल होंगे हमेशा की तरह, 60% आपके फाइनल्स होंगे हमेशा की तरह. सेशनल्स हम जो है ड्यूरिंग द सेशन हम कंप्लीट कर लेंगे, हम एंड के लिए उन्हें फाइल अप बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं ऐसा किया. तो आपके ये 5 लेक्चर जैसे ही हो जाएंगे आपका क्विज या क्लास टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगी जिसकी एक डेडलाइन होगी, आपने उस तक उसको सबमिट कराना होगा, उसके बाद नहीं कराना. और उसके बाद फिर मजीद सेशनल्स में असाइनमेंट जो है उसकी भी आपकी 10-15% वेटेज होगी. तो मजीद सेशनल्स में कोई और दो असेसमेंट कौन सी होनी चाहिए आपके, आपसे फीडबैक लेके डिसाइड किया जाएगा. वो शॉर्ट वाइवा हो सकता है, वो प्रेजेंटेशन हो सकती है, वो जो है कोई एलएमएस बेस्ड शॉर्ट सा एग्जाम हो सकता है वगैरह वगैरह. ठीक है, और फाइनल में तो आपको पता है कि रिटर्न भी होता है और वाइवा भी होता है. ठीक है, आपका रिटर्न जो है वो 20-25% का होता है और वाइवा जो है वो 35-40% का होता है अब तक जो हो रहा था. ठीक है, इस दफा फॉल 2020 में आपका 60% का रिटर्न लेने लगे थे ऑन कैंपस, लेकिन आपको रीजंस पता ही है वो क्यों नहीं ले सके, फिर उसको रिटर्न और वाइवा में सेग्रीगेट करना पड़ा. तो ये सारी चीजें जो है वो आपके नॉलेज में. ठीक है, अल्लाह हाफिज. यस थैंक यू, अल्लाह हाफिज.